उपचार और सुखी जीवन चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बता रहे हैं फेफड़ों को स्वस्थ रखने के लिए, फेफड़ों के तमाम तरह के इन्फेक्शन को दूर करने के लिए और फेफड़ों को ताकत देने के लिए घरेलू और बहुत ही आसान नुस्खे। दोस्तों, फेफड़े शरीर का एक बहुत ही अहम हिस्सा होते हैं। फेफड़ों के बीमार होने पर कई तरह की घातक बीमारियां हमें लग जाती हैं, जैसे अस्थमा है, ब्रोंकाइटिस है, निमोनिया है, टीबी है और कैंसर, फेफड़ों का कैंसर जो सबसे घातक है। इसलिए फेफड़ों की सेहत का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। आइए दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे कुछ ऐसी चीजों के बारे में, ऐसे नुस्खों के बारे में जो आपके फेफड़ों की सेहत को अच्छा रखेंगे और फेफड़ों के किसी भी तरह की बीमारी से आपको दूर रखेंगे। पहला है लहसुन। दोस्तों, लहसुन का सेवन कफ को दूर करने में, कफ को खत्म करने में बहुत ज्यादा सहायक है। ये कफ का दुश्मन है, कफ को दूर करने का ये सबसे उत्तम तरीका है लहसुन। लहसुन में एंटीऑक्सीडेंट भरपूर मात्रा में होते हैं जो संक्रमण से लड़ने के लिए हमेशा ही तत्पर रहते हैं और शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को भी तेजी से बढ़ाते हैं। दोस्तों, आपको सेवन कैसे करना है ये बहुत जरूरी है। दोस्तों, खाना खाने में, खाने के साथ जो सब्जी बनती है, सब्जी में हमेशा ही लहसुन का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन इसका इस्तेमाल आपको थोड़ा हटके करना है। जब भी आप खाना खाएं, लंच जैसे आपने किया है तो लंच करने के आधा घंटे बाद आपको सिर्फ एक लहसुन की कली लेनी है और उसको छील लेना है और छीलने के बाद इसको अच्छे से चबा चबा कर खाना है और इसके बाद एक कप आपको हल्का गर्म पानी पीना है, सिर्फ इतना करना है। और इसी तरह से जब आप रात को खाना खाएंगे, डिनर करेंगे, तो डिनर करने के एक आधा घंटे बाद आप सिर्फ एक कली लहसुन के लेंगे और उसको अच्छे से चबा चबा कर खाएंगे और उसके बाद आपको हल्का गर्म पानी सिर्फ एक कप पीना है। दोस्तों, सिर्फ इतना ही करना है आपने और देखते ही देखते आपके फेफड़े बहुत मजबूत होंगे। फेफड़े का किसी भी तरह का इन्फेक्शन और कितना भी पुराना इन्फेक्शन हो खत्म हो जाएगा, फेफड़ों को ताकत मिलेगी। यदि आपके फेफड़ों में, छाती में बलगम है, बलगम जमा हो चुका है बहुत दिनों से और उससे छुटकारा आप नहीं पा पा रहे हैं, तो दोस्तों ये नुस्खा सबसे उत्तम है और तरीका हमने आपको बता दिया है। खाना खाने के बाद इसको लेना है। दोस्तों, ये बहुत ही शानदार तरीका है। लहसुन आपके किचन में होगा तो आज से ही आप इसको शुरू कर दें और फेफड़ों के तमाम तरह की बीमारियों से छुटकारा पा लें। और इसके अलावा एक नुस्खा और है जो बहुत ही कारगर है, ये है दोस्तों मुनक्के। मुनक्के आपने नाम सुना होगा, देखे भी होंगे और इसका सेवन भी आपने जरूर किया होगा। रोजाना आपने 5 मुनक्के लेने हैं रात में। रात में 5 मुनक्के आपने पानी में भिगोकर रख देने हैं, इनको साफ करके धो के पानी से और एक कटोरी में या किसी भी बर्तन में इसको पानी में भिगोकर आप रख दें और जब आप सुबह उठें और फ्रेश होने के बाद खाली पेट इनको अच्छे से चबा चबा कर खाएं। एक एक दाना लें और इसके बीज निकाल कर फेंक दें और इसको बहुत अच्छे से चबा चबा कर खाएं और उसके बाद आप थोड़ा सा पानी यानी एक कप पानी हल्का गर्म पी लें। तो दोस्तों, सिर्फ ये करना है आपने। मुनक्का सिर्फ आपको एक ही बार लेना है दिन में और लहसुन आपने दोपहर को लेना है खाना खाने के बाद और रात का खाना खाने के बाद लेना है। लहसुन 2 बार लेना है और मुनक्का सिर्फ आपने सुबह 1 बार लेना है। इससे आपके फेफड़े मजबूत होंगे, फेफड़ों की तमाम तरह की बीमारियां खत्म होंगी और इन तमाम बीमारियों को लड़ने के लिए फेफड़ों में मजबूती आएगी और हर तरह का इन्फेक्शन आपका दूर हो जाएगा। दोस्तों, ये थे 2 ऐसे कारगर उपाय जिन्हें आप बहुत आसानी से कर सकते हैं। इन दोनों उपायों में से जो भी आपको सही लगता है, जिसे आप आसानी से कर सकते हैं, उसको कर लीजिए। तो दोस्तों, आप अपने फेफड़ों की तमाम तरह की समस्याओं से छुटकारा पा सकते हैं और यदि आपको किसी भी तरह का फेफड़ों का इन्फेक्शन या कोई बीमारी नहीं है, तब भी आप इन नुस्खों में से कोई सा एक नुस्खा इस्तेमाल कर लें तो आपके फेफड़ों को मजबूती मिलेगी। ये उन लोगों के लिए भी बहुत ज़्यादा कारगर नुस्खा है जो सिगरेट बीड़ी पीते हैं। सिगरेट बीड़ी पीने वालों के फेफड़े पहले से कमज़ोर हो जाते हैं, उनके लिए ये बहुत ही शानदार नुस्खा है। और इसके साथ साथ आपको दोस्तों एक काम और करना होगा।
दिन में, पूरे दिन में आपसे 10 से 15 गिलास नॉर्मल पानी आपको जरूर पीना है। पानी पीने से आपके शरीर के जो टॉक्सिन्स हैं वो आसानी से बाहर निकलने में काफ़ी मददगार है पानी, और नॉर्मल पानी पीना आपकी सेहत के लिए बहुत अच्छा है। इन नुस्खों के साथ साथ आप पानी जरूर पीते रहें तो दोस्तों ढेर सारे आपको फायदे होंगे और खासकर फेफड़े आपके बहुत मजबूत होंगे। और इन दोनों ही नुस्खों का कोई साइड इफेक्ट नहीं है, किसी भी तरीके से आपको नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। दोस्तों आज के लिए सिर्फ इतना ही। हमारी वीडियो और बताए गए नुस्खे आपको अच्छे लगे हों तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दूसरे लोगों के साथ भी शेयर करें। हम जल्दी फिर लौटेंगे कुछ नए मर्ज और उनके आसान से उपायों के साथ। तब तक आप हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और अपना ख्याल रखें।